मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है मध्य प्रदेश का, वो अपनी सैलरी स्लिप को बिना एम्प्लॉय कोड और पासवर्ड के भी कैसे देख सकता है। उसको IFMS पर लॉगिन करने की जरूरत भी नहीं है। उसे करना क्या है दोस्तों, उसे लिखना है MP Treasury। MP Treasury लिखने के बाद आप ये ऑप्शन देख पा रहे हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ जाना है। और यहाँ जाने के बाद भी एक सिंपल सा काम करना है, आपकी सैलरी जिस अकाउंट में आती है, जिस भी बैंक में आती है, उसका IFSC कोड हम यहाँ लिखेंगे, वह अकाउंट नंबर हम लिखेंगे जिसमें सैलरी आती है। इसके बाद हम लिखेंगे मंथ, मान लीजिए हमें अगस्त की सैलरी देखनी है 2021, हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो एक PDF ओपन होगा, यहाँ पर लिखा आ रहा है मध्य प्रदेश शासन पर्याबाद भवन मदर टेरेसा मार्ग भोपाल, और ये ई पेमेंट स्टेटस रिपोर्ट है। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच मिलेगी आपको, ट्रेजरी का नाम मिलेगा, इसी के साथ ई चेक पेमेंट, और यहाँ पर आपको तारीख के साथ आपकी सैलरी जितनी भी हम कह सकते हैं अकाउंट में आई है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है, इसमें आपको आपके एम्प्लॉय कोड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ करना क्या होता है, आपको करना होता है आपका IFSC कोड यहाँ पर याद होगा आपको, जिसमें आपकी सैलरी आती है, अकाउंट नंबर, और आप वो मंथ यहाँ पर डाल सकते हैं जिस मंथ की सैलरी आपको चाहिए। ये देखिए, हम मान लीजिए 6 जून में चलते हैं, और यहाँ पर हम सबमिट जैसे ही करेंगे, सबमिट करने के बाद PDF ओपन होगी और वहाँ पर जो है आपके उस मंथ में जितना भी अकाउंट में पैसा आया है वो आप यहाँ पर इजीली देख पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए ना तो आपका एम्प्लॉय कोड की ज़रूरत है और ना ही आपको IFMS पर जाकर लॉगिन करने की, बार बार पासवर्ड चेंज करके पे स्लिप निकालने की ज़रूरत है। आप वो काम यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और भी किस तरीके की वीडियो आप हमारे चैनल से चाहते हैं। दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।